हेलो नमस्ते नमस्ते सर सर यू कैन स्टार्ट सर यस यस नमस्कार ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु उताश विचार जनक प्रभृतिभ्यो नमो नमः सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। आज हम सिद्धिस्थान का अंतिम अध्याय 12वां अध्याय उत्तर बस्ति सिद्धिम जो अध्याय है उसका अध्ययन हम करने वाले हैं और आज आधा अध्याय और कल उर्वरित अध्याय, ऐसा करके हमारा कल पूरा अध्ययन समाप्त हो जाएगा। तो हम अध्याय को शुरुआत करते हैं। द्वादश अध्याय अर्थात उत्तर वस्तु सिद्धिम अध्याय व्याख्या इतिहास महाभगवान भगवान अत्रेय। अब इसको उत्तर बस्ती क्यों कहा है? तो ये उत्तर बस्ती नाम की जो बस्ती है, मतलब मूत्र मार्ग या अपत्य मार्ग से जो दी जाती है, उस उत्तर बस्ती का इस अध्याय से कुछ संबंध नहीं है। यह उत्तर शब्द ये श्रेष्ठ इस अर्थ से आया है। चक्रपाणी कहते हैं उत्तराणाम इति श्रेष्ठानाम बस्तीनाम सिद्धि उत्तर बस्ती सिद्धि। तो जो बस्तियों में श्रेष्ठ बस्तियां हैं उनका जहां पे वर्णन किया है, ऐसे कुछ बस्तियों का वर्णन इस अध्याय में किया है, इसलिए इसको उत्तर बस्ती सिद्धि ऐसा नाम दिया गया है। इस अध्याय में तीन अधिकरण है, उप अधिकरण है। पहला अधिकरण है अष्टो महादोषकर भावों का निदान और चिकित्सा, ये प्रथम अधिकरण। दूसरा अधिकरण 216 बस्तियों का वर्णन, जिसमें कुछ यापना बस्ती है और कुछ स्नेह बस्ती है, ऐसे बस्तियों का वर्णन। और अंतिम फिर अंतिम भाग में तंत्र युक्ति का भाग है, संहिता के पठन का फल क्या है और संहिता दृढ़बल ने अपना खुद का परिचय दिया है, और अंतिम फिर जो पारिशिष्य सूत्र रहते हैं उनका वर्णन है। ऐसे तीन अधिकरण में ये पूरा ग्रंथ है। आज हम 18 नंबर के श्लोक तक पढ़ने वाले हैं और बाकी का जो अध्याय है वो हम कल रात को उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अथ खलु आतुरम वैद्यः संशुद्ध्यम वमनादिभिः दुर्बलम कृशम अल्पाग्निम मुक्त संधान बंधनम निर्वृत अनिल मूत्र कफ पित्तम कृशाशयम शून्यदेहम प्रतिकार असहिष्णुम परिपालये। अब इस सूत्र का अन्वय ऐसा लगाना है कि अथ खलु आतुरम, खलु मतलब इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, खलु मतलब जिसको ये पादप पूर्णार्थ शब्द आता है, या खरोखर या लिटरली ऐसा करना चाहिए, ऐसा शब्द जब आता है लिटरली ऐसा करना चाहिए तो उसके लिए अथ खलु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अन्वय ऐसा है कि आतुरम कौन सा आतुर, उसका विशेषण नीचे है, तो वैद्यः वमनादि भी संशुद्ध्यम आतुरम परिपालये, क्रियापद पांचवे लाइन में है, वो आप चौथे लाइन में पढ़ सकते हैं। तो वैद्यः वैद्य करता है, इसमें वैद्यः परिपालये ऐसा करता और कर क्रियापद आ गया, वैद्य ने परिपालन करना चाहिए इसका, आतुरम वैद्यः आतुरम परिपालये। अब आतुर कैसा, वमनादि भी संशुद्धम, जो वमन विरेचन आस्थापन आदि रक्त मोक्षण आदि शोधन कर्मों के बाद जो शुद्ध हुआ है, संशुद्ध जिसका शोधन हुआ है, ऐसे आतुर का परिपालन करना चाहिए। अब वो आतुर के लक्षण क्या क्या है, वो बीच के तीन पंक्तियों में, पहला है दुर्बलम जो शोधन के कारण जिसका बल ह्रास हुआ है, कृशम जो कृश हुआ है दोष निकल जाने के बाद कृशत्व आ गया है, अल्पाग्निम एकदम से दोष और आवृत करने वाले घटक निकल जाने के बाद अग्नि अल्प रहता है, उसको धीरे धीरे सचेत करना पड़ता है, इसलिए अल्पाग्नि की अवस्था होती है। मुक्त संधान बंधनम सर्व संधि बंध, या शरीर में जितने सारे संधि है, यहां संधि शब्द ये केवल अस्थियों के लिए नहीं है, जो केवल अस्थि का नहीं है, शरीर में जितने संधि बंध है वो सभी कैसे है, मुक्त। पूरा ध्यान रखना है, उसको कहीं भी जाना देना नहीं चाहिए, पे वो बाहर जाना नहीं चाहिए, कोई भी हेतु सेवन नहीं करना चाहिए,
पूर्ण तैल पात्र मिथैव लेके जाना है तो बहुत संभाल के लेके जाना पड़ता है, तो ऐसा तेल पात्र का भी रक्षा जिस प्रकार से तो तेल गिर जाएगा और व्यापक हो जाएगा, उसी प्रकार से आतुर की भी रक्षा करनी पड़ती है। और गोपाल इवदंडी, जैसे गोपाल होता है वो गायों को चराने के लिए ले जाता है तो उसको दंड के साथ सभी को वो दंड के साथ मारता भी है और गायों को एक जगह पे लेके जाता है ना, तो क्या होता है कोई गाय घूम गई तो उसका नुकसान हो जाता है या व्यापक उत्पन्न हो, गाय को व्यापक उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए गोपाल जैसे दंड लेकर गायों की रक्षा करता है उसी प्रकार से सर्व अस्मत अपचारतः सभी हेतुओं से इस शोधन किए हुए वैद्य आतुर की वैद्य ने रक्षा करनी चाहिए। ये इतना महत्व का ये शब्द है। अब आगे कह रहे अग्नि संदूषणार्थम तु पूर्वम पेयादिनाभिषक रसेन उत्तरेण उपचरे क्रमेण क्रम कोविदाह। यहाँ वैद्यों का एक प्रकार दिया है क्रम कोविद। क्रम कोविद मतलब जिसको संसर्जन क्रम का ज्ञान है, जो जानता है किस प्रकार से संसर्जन क्रम करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे शोधन किए हुए आतुर में अग्नि संदूषण करने के लिए पूर्वम सबसे पहले वैद्य ने पेयादि क्रम का उपचार करना चाहिए। पेया विलेपी कृत कृतम अवसरस और युष इसका उपचार करना चाहिए और रसेन उत्तरेण उपचरे और फिर मांसरस का बाद में उपचार। यहाँ रस शब्द ये मांसरस के लिए आया है ऐसा चक्रमणि कहते हैं, तो बाद में मांसरस का सेवन तक उसको लेके जाना है और क्रमशः उसके ऊपर लेके जाना है। स्निग्ध अम्ल स्वादु रुद्यानी ततो अम्ल लवण रसौ स्वादु तिक्तौ ततो भूय कषाय कटुको ततः अन्यो अन्य प्रतीकानां प्रत्यनीकानां रसानां सिंधरुक्षयो व्यत्यासात् उपयोगेन प्रकृतिं गमयेत् विशक। अब ये जो मांसरस देने हैं ये कैसे देने हैं, स्निग्ध अम्ल स्वादु और रुद्य इस गुण से देने हैं जो मन के लिए हितकर है, स्निग्ध है अम्ल है स्वादु है, उसके बाद अम्ल लवण रस का उपचार करना है, फिर बाद में मधुर तिक्त रस का उसको खिलाना है और अंतिमतः कषाय कटु रस का सेवन करवाना है। ये जो अन्योन्य प्रत्यनिक है मतलब ये जो लवण अम्ल उसके प्रत्यनिक स्वादु तिक्त है और उसके प्रत्यनिक कटु कषाय है, तो ऐसे प्रत्यनिक जो रस है उनको कभी स्निग्ध करके तो कभी रुक्ष करके देना है। रसानाम स्निग्ध रुक्षयो हो व्यत्यासन उपयोगेन, तो ये जो रस है इनको कभी स्निग्ध करके या कभी रुक्ष करके ऐसा उनका व्यत्यास करके प्रकृतिम गमये स्वास्थ्य प्राप्त करना है, स्वास्थ्य प्राप्त करने करने तक उसकी रक्षा करनी है। जब तक वो फिर से ठीक ना हो जाता है तब तक विषक को उसकी चिकित्सा ठीक से करनी पड़ती है। तो लक्षण क्या है कि अभी प्रकृतिस्थ हुआ है, जानना कैसे जाएगा कि अभी ये प्रकृतिस्थ हुआ है, तो वो अगले श्लोक में है। सर्वक्षमो हि असंसर्गो रति युक्त स्थिर इंद्रिया बलवान सत्व संपन्नो विज्ञेय प्रकृति गतः। तो सर्वक्षम मतलब सभी छह के छह रसों का वो सहन कर सकता है, तीखा हो मीठा हो खट्टा हो कड़वा हो कैसा भी रस हो वो आराम से उसको सहन कर सकता है, क्योंकि टीकाकरण ने दिया है सर्वक्षम इति सर्व रसाभ्यास क्षम ऐसा बताया है। असंसर्गों की टीका है असक्त वेगा, जिसका वेग कभी भी असक्त नहीं है, वेगों को अवरुद्ध तत्व नहीं है। रति युक्त हर चीज में उसको इंटरेस्ट है, मतलब अपने अपने विषयों को वो मन अपने अपने कार्यों में प्राकृत कार्य कर रहे, जो जो अपने उसके कार्य है वो प्राकृत पद्धति से कर रही है। बलवान शरीर में बल बढ़ गया है, सत्व संपन्न मन भी अपना प्राकृत कर्म कर रहा है, ऐसे जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो विज्ञेय यहां प्रकृति गतः, तो आपको जानना चाहिए कि अब यह रुग्ण प्रकृतिस्थ हो गया है, मतलब अब वो प्राकृत अवस्था में आ गया है। एतम प्रकृति अप्राप्त सर्व वर्जानि वर्जये महादोष कराणि अष्टौ इमानि तो विशेषतः। अगर इस प्रकृति
प्राप्त के लक्षण नहीं मिले, मतलब तभी चिकित्सा करने के बाद भी, संक्रम करने के बाद भी, रसों का क्रम करने के बाद भी अगर वो रुग्ण प्रकृतिस्थ नहीं हो गया तो क्या करना चाहिए? सर्व वर्ज, जो जो वर्ज घटक है उनका वर्जन, वर्ज वर्जय, जो जो वर्ज करने के लिए कहे है वो हेतु ढूंढ के वो बंद करने चाहिए। और विशेषतः महादोषकर आठ भाव जो है, ये आठ भाव है महादोष निर्माण करने वाले शोधन के बाद, इनको वर्ज करना चाहिए। अब ये कौन से आठ महादोषकर भाव है? तो पहला वो श्लोक बताया है, उच्च भाषम रथक शोभम विचंक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्य च दिवा स्वप्नम समेतुनम। तो उच्च भाष्य रथक शोभ विचंक्रमण आसन अजीर्ण भोज्य अहित भोज्य दिवा स्वप्न और मैथुन, ये आठ भाव शोधन के बाद विशेषतः बंद करने हैं। उच्च भाष्य रथक शोभ विचंक्रमण आसन अजीर्ण भोज्य अहित भोज्य दिवा स्वप्न और मैथुन, ये आठ भाव शोधन के बाद कम से कम 15 दिन तक वर्ज करने चाहिए। तज्जहा, इससे क्या क्या उत्पन्न होता है, पहले श्लोक पढ़ लेता हूं। देह ऊर्ध्व सर्व अधो मध्य पीड़ा आम दोष जहा श्लेष्मजा क्षयजा शैव व्याध्या इस्तु यथा क्रमम। तो यह क्रम से अगर उच्च भाष्य का सेवन किया तो ऊर्ध्वज व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी, ऊर्ध्व देहज। अगर रथक शोक किया तो सर्व शरीर गत व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी। विचंक्रमण किया मतलब अति संक्रमण किया तो अध शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। अत्यासन किया तो मध्य शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। अजीर्ण सेवन किया तो आम दोषज व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी। अहित भोजन किया तो दोषज व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, अहित भोजन से दोषज व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी। दिवा स्वप्न सेवन किया तो श्लेष्मज व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी। और मैथुन किया तो क्षयज व्याधिया उत्पन्न हो जाती है। तेषां विस्तरतः लिंगम एकैकस्य च भेषजम यथावत् संप्रवक्ष्यामि सिद्धान वस्तिश्च यापनान। अब इनका संक्षेप में वर्णन किया, अब विस्तारशः इन एक एक महादोषकर भाव के लक्षण भी बताएंगे और फिर बाद में उसकी चिकित्सा भी बताएंगे। और वो कैसे, यथावत् संप्रवक्ष्यामि, यथावत् संप्रवक्ष्य मतलब जैसे हमने देखा था, जैसे हमने रुग्णों में देखा है उसी प्रकार से बताएंगे। और सिद्ध यापन वस्तियों का भी हम वर्णन बाद में करेंगे। तो पहला तत्र उच्चैर भाष्य अति भाष्याभ्याम, तो उच्च भाष्य और उसके साथ समान लक्षण होने के कारण अति भाष्य लक्षण भी बताया है। अति भाष्य भी वर्ज है तो दोनों हेतु अगर सेवन किए तो क्या क्या होगा, शिरस्ताप शंख कर्ण निस्तोध श्रोत्र उपरोध मुख तालु कंठ शोष तैमीरिय पिपासा ज्वर तमक अनुग्रह मन्यास्तंभ निष्ठिविन उर पार्श्वशूल त्वर भेद इक्का श्वासा दया स्त्यु। कुछ बताए हैं, कुछ आदि में वर्णन किए। तो शिरो प्रदेशी ताप, शंख शूल, कर्ण प्रदेशी निस्तोध वेदना, श्रोत्र उपरोध श्रवण करने के लिए वो कष्ट हो रहा है, मुख तालु कंठ यहाँ पे शोष उत्पन्न हुआ है, तिमिर है, पिपासा है, ज्वर है, तमक मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, अनुग्रह है, मन्या स्तंभ है, निष्ठिवन बार बार मुख से पानी आ रहा है, उरशूल है, पार्श्वशूल है, त्वर भेद है, इक्का और श्वास और कुछ आदि, मतलब इसके जैसे और भी अन्य व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। ये उच्च भाष्य और अति भाष्य से होता है। रथक शोभ से क्या होगा वो श्लोक पहले पढ़ता हूँ। रथक शोभात संधि पर्व शैथिल्य अनुनासा कर्ण शिरशूल तोद कुक्षी क्षोभ आटोप आंत्रकूजन आदमान हृदय इंद्रिय उपरोध पिक पार्श्व वंक्षण वृषण कटी पृष्ठ वेदना संधि स्कंद ग्रीवा दौर्बल्य अंगाभिताप पाद शोफ प्रस्वाप हर्षणाम आदयः। तो क्या क्या होगा रथक शोभ से, रथक शोभ मतलब जो गाड़िया, मतलब ऐसे कई गाड़ियां होती है कि जिनके और नहीं बचता पर बाकी सभी पार्ट बचते हैं, इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई है गाड़ी कि उसके ऊपर बैठने से क्षोभ उत्पन्न होता है। या फिर ऐसा रास्ता है जहां पे बहुत बहुत गड़े गड्ढे हैं तो जिसमें से जाने के बाद, गाड़ी जाने के बाद शरीर हिल डुलता है और क्षोभ उत्पन्न होता है,
ये हेतु विशेषता बंद करने हैं। आज हम क्या करते हैं, शाम को क्लिनिक में बस लेते हैं और रुग्णों को टू व्हीलर पे घर भेज देते हैं। ये सही है या गलत है, इसको सोचना चाहिए। तो पेशेंट को क्या कहना चाहिए, एक तो आप खुद गाड़ी नहीं चलाएंगे, एक या दूसरा ऐसे रास्ते चलाएंगे कि ज्यादा आपको तकलीफ ना हो। अब जो जो बड़े बड़े महानगर है, दिल्ली, बंगलोर, मुंबई, यहाँ पे तो क्या होता है, पेशेंट एक बहुत दूर रहता है, वैद्य कहीं और रहता है, तो शाम को बस देते हैं और फिर ठंडी हवा में टू व्हीलर पे पेशेंट घर जाता है। अब मुझे बताइए उस बस्ती का क्या उपयोग, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। तो उससे क्या क्या होता है, तंद्र शैथिल्य, पर्व शैथिल्य, अनुशूल, नासाशूल, कर्णशूल और वहीं पे तो दवत वेदना, कुक्षी क्षोभ, मतलब कुक्षी प्रदेशी क्षोभ निर्माण होना, आटो, आंत्रपूजन, अधमान, हृदय उपरोध, इंद्रिय उपरोध, स्विक वेदना, पार्श्व वेदना, वंशन वेदना, वृषण वेदना, कटी वेदना, पृष्ठ वेदना, संधि दौर्बल्य, कंध दौर्बल्य, ग्रीवा दौर्बल्य, अंग अभिताप, बारीक 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 सा एकदम क्या कहते हैं, माइन्यूट सा या कुछ क्या कहते हैं, सब मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, कि थोड़ा सा ज्वर है जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा सा ज्वर है, मतलब शरीर गर्म रहता है, बस वेग नहीं है ज्वर का, इसको अंगाभिताप कहते हैं। पादशोफ, प्रस्वाप और हर्षणादया, प्रस्वाप और हर्षण ये परस्पर विपरीत लक्षण है, मतलब एक तो बिल्कुल संवेदना नहीं है या हर्षण, मतलब वहां पे रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार से रतक्षोभ से उत्पन्न होते हैं। अब अतिसंक्रमण से क्या होगा, अतिसंक्रमणात पाद जंगा रुजा जानु, पाद जंगा उरु जानु, वंशण श्रोणी पृष्ठ शूल, तक्ति साध निस्तोद, पिंडिको द्वेष्ट ना पिद्विक, पिंडिको द्वेष्ट न अंग मर्द, अंसाभिताप, तिरा धमनि हर्ष, श्वास कासादय। तो अतिसंक्रमण से पाद शूल, जंगा शूल, उरु शूल, जानु शूल, वंशण शूल, श्रोणी शूल, पृष्ठ शूल, शक्ति तोद प्रदेश, शक्ति प्रदेश तोद वेदना, साध शक्ति साध होना और शक्ति तोद होना, पिंडिको द्वेष्टन होना मतलब क्रैम स्थान, अंग मर्द होना, अंसाभिताप, अंस प्रदेशी धन जैसी वेदना होना, तिरा हर्ष, दमनी हर्ष और श्वास का, ऐसे अन्य भी व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। अत्यासना रतक शोभजा विक पार्श्व वंशन वृषण कटी पृष्ठ वेदना दया। अत्यासन से क्या होगा, तो जो रतक शोभजा लक्षण है, जो संधि पर्व शैथिल्य आदि बताए हैं, वो भी उत्पन्न हो जाएंगे, उसके साथ स्पीक वेदना, पार्श्व वेदना, वंशन वेदना, वृषण वेदना, कटी वेदना, पृष्ठ वेदना, ये भी उत्पन्न होते हैं। अब अगला अजीर्ण अध्यसन से क्या होगा, अजीर्ण अध्यसन मुख शोक्ष आत्मान शूल निस्तोद पिपासा गात्र साध चर्दी अतिसार मूर्छा ज्वर प्रवाहण आम विषादय। तो अजीर्ण और अध्यसन के कारण मुख प्रदेश शोष अधमान शूल निस्तोद पिपासा गात्रसाद चर्दी अतिसार दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, चर्दी भी हो सकती है, अतिसार भी हो सकता है, मूर्छा ज्वर प्रवाहण मल विसर्जन करने के लिए जोर लगाना प्रवाहण और आम विष, ऐसे व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। विषम अहिताशनाभ्याम अन्नाभिलाष दौर्बल्य वैवर्ण्य कंडू पामा गात्रसाद वातादि प्रकोपजा ग्रहणी अर्श विकार, मतलब ये तो अर्षण उत्पन्न होंगे, उसके साथ दोषों के ग्रहणी अर्श विकार आदि भी उत्पन्न हो जाएंगे। दिवा स्वप्न से अरोचक अविपाक अग्निनाश सैनित्य पांडुत्व कंडू पामा दाह छर्दी अंगमर्द रुत्स्तंभ जाट्य, जाट्य मतलब बुद्धिमांद्य होना, क्या चल रहा है वो नहीं समझना, तंद्रा निद्रा प्रसंग मतलब बार निद्रा आना, बार बार तंद्रा होना, ग्रंथि जन्म शरीर पर ग्रंथियों की उत्पत्ति होना, दौर्बल्य रक्त मूत्राक्षता मतलब सरक्त मूत्र सरक्त अक्षी तालू लेपहा, ये व्याधियां दिवा स्वप्न से उत्पन्न हो जाएंगी। व्यवाय से क्या होगा, व्यवाया आशु बल नाश तुरंत बल का नाश हो जाएगा, उरु साध शिरोबस्ती गुद मेट्र वंशण उरु जानु जंघा पाद इस प्रदेशी शूल हृदय स्पंदन मतलब पैल्पिटेशन बढ़ना, नेत्र पीड़ा अंग शैथिल्य शुक्र मार्ग शून्यता गमनम
शुक्र मार्ग से मतलब मेड्र मार्ग से, या जो स्त्रियों का भी शुक्र मार्ग है वहां से रक्त का आगमन होना, कास श्वास शोणित स्टीवन, कास श्वास रक्त का स्टीवन होना, स्वर अवसाद, कटी दौर्बल्य, एकांग सर्वांग रोग, मुष्क श्वयतु, वात वरक्ष मूत्र संग का संग होना, शुक्र विसर्ग, जाड्य, वेपतु, बाधीर्य, ये भी बहुत महत्व का है, विषाद आदयः स्युः। इसके बाद अवलुप्यत इव गुदा, जैसे गुदा प्रदेश ही कोई छेदन कर रहा है ऐसी वेदना उत्पन्न होना, अवलुप्यत का अर्थ छेदन करना, टाटने से इव मेड्रम, मेड्र प्रदेश ही कोई चोट पहुंचा रहा है ऐसी वेदना होना, अवसीदति इव मनः, मन कहीं पे जाके डूब रहा है मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, एकदम लो लगता है, जैसे व्यवहार में कहते ना कि मुझे लो फीलिंग हो रही है, ये अवस मनोवसाद के लक्षण है। वेपते हृदय, हृदय प्रदेशी कंप होना, वेपन होना, पिड्यंते संध्या, संधि प्रदेशी पीड़ा निर्माण होना, तम प्रवेशंत इवच, और आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये लक्षण व्यवाय ये दोष के कारण होते हैं। इति एवोभिः अष्टभिः अपचारैः एते उपद्रवः प्रादुर्भवन्ति, तो ऐसे आठ हेतुओं के कारण ये उपद्रव शोधन के बाद उत्पन्न हो सकते हैं। अब आपको अध्ययन घर में होमवर्क क्या करना है, तो इनके कई लक्षण बताए हैं, तो हरेक का चार्ट बनाइए, मतलब जैसे दिवा स्वप्न से इतने सारे होते हैं, तो वो जो लक्षण जैसे अरोचक, ये कौन से स्रोतस का होगा, अरोचक विपाक या अग्नि व अन्न वह का है, अग्निनाश अन्न वह का है, तैमित्य ये रस वह का है, पांडुत्व रस वह का है, कंडु रस रक्त वह का है, पामा रक्त वह का है, दाह रक्त वह का है, छर्दी अतिसार अंग, ये जो छर्दी ये अन्न वह के है, अंगमर्द रस वह का है, रुस्तंभ रस रक्त वह का है, जाड्य रस वह का, मनोवह का और प्राणवह का है, तंद्रा निद्रा रस वह मनोवह के है, ग्रंथिजन्म मांस वह के है, दौर्बल्य रस रक्त वह का है, या उदक वह का भी हो सकता है, रक्त मूत्राक्षिता ये रक्त वह का है, और तालुलेप ये मांस वह रक्त वह रस वह और उदक वह का है। तो ऐसे हरेक लक्षण के जो जो मतलब हरेक हेतु के जो लक्षण बताए हैं उनके स्रोतस आपको एक नोट करने हैं, ये आपका होमवर्क है, और ये बाद में करके आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। तो ये अष्टो महादोषकर भावों के उपद्रव वर्णन किए, अब उनकी चिकित्सा बता रहे हैं, तेषां सिद्धि, चिकित्सा क्या करनी है, तो उसमें पहले उच्च भाष्य और अति भाष्य की चिकित्सा है, तत्र उच्चेर भाष्य अति भाष्य जानाम अभ्यंग स्वेद उपनाह धूमनस्य उपरिभक्त स्नेह पान रस क्षीरादि वातहरा सर्वो विधि मौनम च, ये अत्यंत विशिष्ट चिकित्सा है। सबसे पहले करना है अभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है, सर्वांग स्वेद करना है, उपनाह अगर स्थानिक कुछ लक्षण है तो उपनाह करना है, धूमपान करना है, नस्य विशिष्ट दो है, एक है ऊपरी भक्त स्नेहपान मतलब भोजन के बाद स्नेहपान करना है, रस क्षीरादि वातहर सर्व विधि करनी है, और सबसे दूसरा महत्व की चिकित्सा मौन पालन करना है, बिल्कुल बोलना नहीं है, ये उच्च भाष्य और अति भाष्य का उपद्रवों की चिकित्सा है। अब आप मुझे बाद में विचार करके बताइए, ये शोधन के बाद उच्च भाष्य और अति भाष्य के उपद्रव उत्पन्न होने से चिकित्सा बताइए, क्या हम बिना शोधन के भी, जो मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो बार बार बोलता रहता है, कंटिन्यू बोलता रहता है या जोर जोर से बोलता है, क्या उसको भी ये प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए, विचार करिए, तंत्र युक्ति लगाकर जो शोधन नहीं किया है फिर भी उच्च भाष्य और अति भाष्य है, क्या उनमें भी ये चिकित्सा करनी चाहिए क्या, ये भी सोचिए और मुझे बाद में बताइए। फिर रतक शोक की चिकित्सा और अति संक्रमण की चिकित्सा और अत्यासन की चिकित्सा एक जैसी है, वो है स्नेह स्वेदादि वातहरम कर्म, क्योंकि वात प्रकोप हेतु है, तो स्नेह स्वेद इत्यादि जो वातहर बस्ती आदि जो वातहर कर्म है वो करने हैं, और सर्वम निदान वर्षम जो हेतु है उसको त्याग करना है। अजीर्ण अध्यशन जानम निरवशेषतः छर्दनम, इस वाक्य को अंडरलाइन करके रखिए, निरवशेषतः छर्दनम ये वाक्य महत्व का है, रुक्ष स्वेदो लंघनीय पाचनीय दीपनीय औषध अवचारणम च, तो अजीर्ण और अध्यशन जैसे उपद्रवों में जो वमन देना है वो कैसे देना है,
निरवशेष, जो अजीर्ण दशन उदरस्थ है, उदर में है, वो निशेष बाहर निकल जाना चाहिए। साम दोष या दोषों के साथ जो अन्न अजीर्ण अवस्था में है वो निरवशेष बाहर निकलना चाहिए। वमन में रूक्ष स्वेदन करना चाहिए और लंघनीय पाचन दीपनीय जो महाकषाय है उनके औषधियों की अभ्यंतर सेवन करवाना है। अगला, विषम अहिताशन जाना यथास्वम दोषहरा क्रिया, तो विषमाशन की जो चिकित्सा है वही यहाँ पे करनी है और अहिताशन जो है उसकी चिकित्सा जो गृहिणी में वर्णन की है वो चिकित्सा यहाँ पे करनी है। दिवा स्वप्न जाना धूमपान लंघन वमन शिरो विरेचन व्यायाम रुक्षासन अरिष्ट दीपनीय औषध उपयोग प्रघर्षण उन्मर्दन परिचनादिश्च श्लेष्महरा सर्वविधि। अभी दीपन दिवा स्वप्न से उत्पन्न होने जो उपद्रव है उनमें धूमपान लंघन वमन शिरो विरेचन व्यायाम रुक्षासन अरिष्ट दीपनीय औषध उपयोग प्रघर्षण करना मतलब घर्षण चिकित्सा करना उन्मर्दन करना मतलब जैसे अभ्यंग के बाद जो पीड़न करते उन्मर्दन परिषेक चिकित्सा आदि ऐसी श्लेष्महर विधि सभी करनी है। अब आप पूछिए कि ये दिवा स्वप्न ये शोधन के बाद का हेतु बताया है और उसके उपद्रव बताया है पर शोधन नहीं दिया गया है फिर भी दिवा स्वप्न नित्य है तो क्या ऐसे व्यक्ति में चिकित्सा करनी चाहिए, पूछिए इसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। अंतिम उसका आठवां जो अंग है उसकी चिकित्सा, मैथुन जानाम जीवनीय सिद्धो शिर सर्पिशा उपयोग, तो मैथुन जा अगर हेतु है तो उसमें जीवनीय सिद्ध शीर और घृत का उपयोग करना अभ्यंतर और बस्ति के लिए। वातहरा स्वेद अभ्यंग उपनहा वृषा आहारहा स्नेहा स्नेह विदया यापन बस्तया अनुवासनम च, तो वातहर स्वेदन अभ्यंग उपनह वृष गुणों का आहार विहार वृष कर्म करने वाला आहार विहार विविध प्रकार के स्नेह स्नेह विधि या विविध प्रकार मतलब जो प्रति क्या कहते हैं अक्षपान और किसी द्रव्यों के साथ स्नेह करना विचारणा कहते हैं उसको, इसको स्नेह विधि कहते हैं। और यापन बस्ती अनुपासन बस्ती ऐसे कर सकते हैं। मूत्र वैकृत बस्ती शूलेशु च उत्तर बस्ती विदारी गंधादि गण जीवनीय क्षीर संसिद्धम तैलम स्या, तो अगर मैथुन जन्य हेतु के कारण मूत्र प्रदेशी विकृति उत्पन्न हो गई है या मूत्र की विकृति उत्पन्न हो गई है और बस्ती प्रदेशी शूल है, यह बस्ती शब्द से केवल ब्लैडर नहीं लेना है तो पूरा मूत्र व श्रोतस लेना है, तो मूत्र व श्रोतस में कहीं पर भी शूल है तो वहां पे विदारी गंधादि गण से जीवनीय गण से क्षीर सिद्ध करके उससे तैल सिद्ध करके उसकी उत्तर बस्ती देनी चाहिए। ये चिकित्सा ऐसी आठ महादोषकर भावों की चिकित्सा अब यहां पे पूरी हो गई। अब इसके बाद यहां से आगे अधिकरण खत्म हो गया और दूसरा अधिकरण शुरू हो जाता है। इस 16वें 17वें श्लोक में कुछ बस्तियों का उल्लेख किया है, वो क्या है, तो अभी यापना बस्ती का उल्लेख आ गया इसलिए प्रसन्न तंत्र से यहाँ पे श्रेष्ठ यापना बस्तियों का विवरण कर रहे हैं। तो पहले कहते हैं यापनाश्च बस्तयः सर्वकालं देयः, तो यापना बस्ती कौन है जो सर्वकाल में दे सकते हैं। सिद्धि स्थान के 8वें अध्याय में यापना बस्ती का वर्णन आके गया है, अब यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो जो सभी काल में हम दे सकते हैं इसकी कोई ज्यादा उसकी रचना कुछ होती नहीं है, ज्यादा उसके लिए कुछ कर्म करना नहीं पड़ता है, कभी भी किसी भी अवस्था में आप यापन अवस्थी दे सकते हो। चक्रपाणि ऐसा कहते हैं सर्वकालन देया इत्यनेन पूर्व निरूहणम असार्वकालिकत्व दर्शयति, निरूह के बारे में बहुत सारे नियम बताए हैं वो सार्वकालिक नहीं है, कभी भी नहीं दे सकते निरूह, उसके लिए स्पेसिफिक समय होता है। एतेषां च सर्वस्मिन् काले दानम अविरुद्धम, लेकिन यापन अवस्थी जो है वो किसी भी समय आप दे सकते हो, किसी भी अवस्था में आप दे सकते हो। आयुषो यापनम दीर्घकाल अनुवर्तनम कुर्वन्ती इति यापनावस्थया, आयु का पालन करती है यापना मतलब दीर्घ जीवित्व प्राप्त कर देती है इसलिए इसको यापनावस्थी ऐसा कहा जाता है। यापनावस्थी किसी भी ऋतु में किसी भी दिन में सदैव आप कर सकते हो। अब कौन सी यापनावस्थी है, तो कुछ यापनावस्थियों क्या मतलब 16-17वें अध्याय में कुल मिला के 11 यापनावस्थियों का वर्णन किया है। तो पहली है बुस्तादी यापन बस्ती,
द्रव्य पढ़ूंगा, द्रव्य में विशेष अर्थ बताने के जैसा नहीं है, केवल विधि जो बताई है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मुस्ता उशीर बला आरगवध रासना मंगिष्ठा कटु रोहिणी तायमान, प्लीज बी विथ मी। जैसे मैं पढ़ूंगा तो श्लोक के ऊपर शब्द आप घुमाइए, नजर घुमाइए आपकी। पुनर्नवा बीबी तक गुरुची स्थिरादि पंचमूलानी पलिकानी, ये जो मुस्ता से लेके स्थिरादि पंचमूल तक जो द्रव्य है वो एक एक पल लेकर खंडशा क्लुप्तानी, उसको खंडशा उसका टुकड़े कर अष्टौच मदन फलानी प्रक्षाल्य, उसमें आठ मदन फल उनके भी टुकड़े करके डालने चाहिए। और फिर धो के जलाडके परिक्वात्य, एक आडक जल में उसका क्वात करके पादशेषो रसा, एक पादांश मतलब 1/4 उसको अवशिष्ट रखना है। और क्षीर भी प्रतिर उसमें 2 प्रस्थ क्षीर संयुक्त पुनः श्रुत क्षीरावशेष भाग, और फिर पका कर केवल दुग्ध शिल्लक रहे रहे विद्या, ऐसा उसको अवशिष्ट करना है। पाद जंगल रसा तुल्य मधुरता, और जितना घृत है जितना दुग्ध शेष रहा है उसका 1/4 जंगल पशुओं का मांस रस और उसके समान मात्रा में मधु और घृत डाल के शतकुसुमा मधु का कुटज फल रस मद फल रसांजन प्रियंगु कल्की कृतः। तो शतकुसुमा मतलब शत पुष्पा, मधु का कुटज फल मतलब मदन फल, रसांजन प्रियंगु इनका कल्क डाल के सैंदवा सुखोष्णा बस्ती ही, इंची सैंदव डाल के थोड़ा सा सुखोष्ण करके उसकी बस्ती देनी चाहिए। ये बस्ती शुक्र मांस बलजन्ना शतक्षीण कास गुल्म शूल विषम ज्वर ब्रद्न कुंडल उदावर्त कुक्षी शूल मूत्र कृष्ण अश्रुकृजा विसर्प प्रवाहिका शिरोरुजा जानुरुजा जंगा बस्ती ग्रहा अर्श्मारी अश्मर्यु उन्माद अर्षः प्रमेह आत्मान वातरक्त पित्त श्लेष्म व्याधि हरः सद्यो बलजन्नाः रसायनश्च इति। ये बस्ती शुक्र मांस और बल निर्माण करने वाली, शतक्षीण से लेकर पित्त श्लेष्म की व्याधियों का नाश करने वाली, सद्य बल देने वाली और रसायन कर्म करने वाली, ऐसी ये मुस्तद यापन बस्ती है। इसके सभी द्रव्य आज भी मिल सकते हैं, हम दे सकते हैं। अब दूसरी बस्ती एरंड मूलादि यापना बस्ती है। वो कह रहे एरंड मूल पलाशात षट पलम, मतलब एरंड मूल 3 पल और पलाश 3 पल दोनों मिलके षट पल देने हैं। शाली परणी पृष्णी परणी बृहती कंटकारिका गुक्षुरुका, ये लघु पंचमूल है। रत्ना अश्वगंधा गुडुची वर्षाभु मतलब पुनर्नवा आरगवधो देवदारु इति पलिकानी, तो शाली परणी से लेकर देवदारु तक सभी एक एक पल लेकर खंडशा कृतानी पलानी च अष्टो, फिर उसमें 8 मदन फल टुकड़े टुकड़े करके डालने हैं। प्रक्षाल्य धोकर फिर जला ढके क्षीरपादे पचे, एक जल एक आडक जल में और उसका 1/4 क्षीर डाल के क्षीर अवशिष्ट होने तक पचन करना चाहिए, उबालना है। पादशेषम कषाय, क्षीर अवशिष्ट रहे तो ऐसे कषाय में पूतम फिर उसको छान लेना चाहिए, उसमें शब्द कुसुमा पुष्ठ मुस्त पिंपली हपुषा बिल्व वचा वत्सक फल रसांजन प्रियंगु यवानी, इनका प्रक्षेप डालना चाहिए, कल्क इनके कल्क का प्रक्षेप करना चाहिए। मधु घृत तैल सैंधव युक्तम ये उसमें डालने चाहिए, और सुकोष्णम निरुहम एकम द्वौ त्रिनवद अध्याय, तो ऐसे ये एरंड मूल आदि जो बस्ती है यापना बस्ती है वो सुकोष्ण करके उसका 1, 2 या 3 निरोह देना चाहिए एक ही समय में। एक दे दिया उसका प्रत्यागम होने के बाद अगर लक्षण निर्माण नहीं हुए सम्यक लक्षण तो फिर से दूसरी यापना बस लेनी चाहिए तुरंत, वो भी वापस तुरंत आ गई लक्षण नहीं निर्माण हुए तो तीसरी दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 दे सकते हैं, 1, 2, 3 दे सकते हैं आप उसमें बस्ती। सर्वेशम ये बस्ती का उपयोग क्या है, तो सर्वेशम प्रशस्तो सभी लोगों के लिए प्रशस्त है, विशेषतः ललित कुसुकुमार त्रिविहार क्षीण शत स्थविर चिरार्षताम अपत्य कामानाम च, तो जो सुकुमार है ललित है कोमल मन के है त्रि तो मैथुन से क्षीण है विहार से क्षीण है शत उत्पन्न हुआ है वृद्ध है जीर्ण काल से अर्ष है और जिनको अपत्य चाहिए ऐसे लोगों को यह एरंड मुरादी बस्ती बहुत अच्छा कार्य करती है। तीसरी सहचरादी यापन बस्ती तद्वत सहचर्य बला दर्भ मूल सारी विकास सिद्धे न पैसा, तो जो ये विधि बताई है एरंड मुरादी की इन्हीं विधि से केवल द्रव्य सहचर बलादि द्रव्य होंगे, ये तृतीय बस्ती है। तथा बृहती कंटकारी
शतावरी छिन्नरुहा, छिन्नरुहा मतलब गुडुची, श्रुतेन पयसा मधुक मदन पिंपली कल्कितेन पूर्ववत बस्ती, ये चतुर्थ बृहत्यादि यापना बस्ती है, ये एरंड मुरादी जैसी बनानी है, केवल द्रव्य अलग है। अब पांचवी प्रथम बलादि यापना बस्ती, बला अति बला विदारी शालिपर्णी पुरुषनीपर्णी बृहती कंटकारी का दर्भ मूल परुषक काश्मीर, परुषक ये यूपी बिहार मध्य प्रदेश में मिलने वाला एक फल है जिसको पालसा कहते हैं, ये प्रयाग में और काशी में इसकी मिठाई भी बनाते हैं, बहुत सुंदर मिठाई लगती है, तो ये फल बहुत मीठा होता है। काश्मीरी बिल्व फल यव सिद्धेन पयसा, इनको फिर सिद्ध करके दुग्ध में सिद्ध करना है, मधु का मदन कल्कितेन, मधु सघृत सौवर्ष उसमें फिर मधु ज्येष्ठ मद और मदन का कल्क डालना है, मधु घृत सौवर्षल डालना है, इससे क्या होता है तो कासर ज्वर गुल्म प्लीहा अर्दित त्रि मध्य कृष्टानाम सद्योबलजनो रसायनश्च, ये बस्ती कासादि व्याधियों के कारण जिनमें बलह्रास हुआ है उनमें सद्योबल निर्माण करने के लिए और रसायन कर्म करने के लिए बस्ती बहुत उपयुक्त है। अब द्वितीय बलादि यापना बस्ती, तो बला अति बला रासना आरगवध मदन बिल्व गुडुची पुनर्नवा एरंड अश्वगंधा सहचर पलाश देवदारू द्विपंचमूला, मतलब दोनों पंचमूल, ये सभी एक एक पल हैं, पलिकानी यव कोल कुलत्थ द्विप्रसूत, तो यव कोल कुलत्थ सब मिलके दो प्रसूत देने हैं, शुष्क मूलकानाम च शुष्क मूलक भी द्विप्रसूत देने हैं, जल द्रोण सिद्धम एक द्रोण जल में इनका क्वाथ बनाना है, निरुह प्रमाण आवश्यक, निरुह का जितना प्रमाण है उतना अवशिष्ट रहना है, कषायम पूतम फिर वो अवशिष्ट कषाय रहने के बाद वो पूतम, पूतम मतलब छान लेना चाहिए, और उसमें फिर मधु का मदन शत पुष्पा कुष्ट पिंपरी वचा वत्सक, वत्सक मतलब कुटज फल, इनके फल और रसांजन प्रियंगु यवानी इनका कलक डालना चाहिए, उसमें और गुड़ घृत तैल क्षौद्र क्षीर मांस रस अम्ल कांजिक सैंधव युक्तम ऐसे सब डाल के फिर सुकोष्णम बस्ती दद्यात, सुकोष्ण करके बस्ती देनी चाहिए। ये सारे द्रव्य के प्रमाण तय है, ये पहले आ चुके हैं, कितना मधु डालना है कितना गुड़ डालना है वो पता है आपको। और ये क्या क्या करती है फिर, शुक्र मूत्र वर्च संगे, जहाँ पे शुक्र संग है मूत्र संग है वर्च संग है, अनिल जय गुल्म रुद्रोग आत्मान ब्रद्न पार्श्व पृष्ठ कटी ग्रह सौद्यानाश बल क्षयेशु, ऐसे वातज व्याधियों में आप दे सकते हो। अब सातवीं जो बस्ती है वो है हपुषादि बस्ती, हपुषादि यापना बस्ती, हपुषा अर्ध कुड़वो द्विगुण अर्ध क्षुण्य यवहा, तो अर्धा कुड़व हपुषा द्रव्य द्विगुण आधे टुकड़े किए यव अर्ध क्षुण्य यवहा, आधे टुकड़े किए यव द्विगुण मतलब एक कुड़व क्षीर उदक सिद्धा, इनका पानी और दुग्ध में सिद्ध करके क्षीर शेषा केवल क्षीर मतलब क्षीरपाक विधि से केवल क्षीर शेष रखना है, उसमें मधु घृत तैल लवण युक्त यह डालना है, तो ये किसमें उपयुक्त है तो सर्वांग विस्तृत वातरक्त सक्त विन्मूत्र स्त्री खेदित हिता, तो सर्वांग वात व्याधि पहली हुई मतलब विसर्प की जैसी वात व्याधि, वातरक्त वेगों का संग होना सक्त विन्मूत्र और स्त्री इनसे की खेदित इनसे व्याधित जो है ऐसे व्यक्तियों में हितकर है, और वातहर है बुद्धि मेधा अग्नि बर्जनन करने वाली यह बस्ती है। अब आठवीं बस्ती है रस्व पंचमूलादि यापना बस्ती, तो रस्व पंचमूली कषाय शिरोदक सिद्ध पिंपली मधुक मदन कल्कीकृत स गुड़ घृत सैंधव स गुड़ घृत तैल लवणा क्षीण विषम ज्वर कर्षदस्य बस्ती, तो रस्व पंचमूली का कषाय करके क्षीरोदक सिद्ध करके क्षीरावशेष करके उसमें पिंपल आदि कल्क डाल के गुड़ादि प्रक्षेप डालकर बस्ती देने चाहिए, देने से क्षीण विषम ज्वर ऐसे कर्षित व्यक्ति को उपयोग होता है। अब नौवीं बस्ती बला अति बला अपामादक आत्मगुप्ता और अष्टपलाद शून्य यव अंजलि कषाय, तो बला अति बला अपामार्ग आत्मगुप्ता ये आठ आठ पल लेने हैं, अर्धक शून्य आधे टुकड़े की हुए यव जो है वो एक अंजलि प्रमाण में लेकर उनका कषाय बनाना है, उसमें गुड़ घृत तैल लवण डालना है और पूर्व बस्ती बस्ती जैसी मतलब जो बस्ती की विधि है उस प्रकार से बनानी है, ये स्थबीर दुर्बल क्षीण शुक्र रुधिराणा पत्यतमा, ये वृद्धों में दुर्बलों में शूर शुक्र क्षय में और रुधिर क्षय में यह अत्यंत पथ्यकर ऐसी बस्ती है। अब इसको उपयोग कैसे करना है बाद में बताता हूं।
बला मधुक विदारी दर्भ मूल मृद्विका यवई कषायम आजेन पयसा पक्त्वा मधुक मदन कल्कितम त मधु घृत सैंधवम ज्वरार्थेभ्यः वस्तु दद्यात्। तो बला मधुक विदारी दर्भ मूल मृद्विका यव इनका कषाय करके, फिर बकरी का दूध में सिद्ध करके उसमें मधु का मदन कल्क डाल के मधु घृत सैंधव डाल कर ये सभी ज्वर में इसकी बस्ती दे सकते हैं, ज्वरार्थ में ये बस्ती दे सकते हैं। बलादि तृतीय बलादि यापन अवस्थी चतुर्थ बलादि यापन अवस्थी। अब पाठ ग्यारहवीं शाली प्रण्यादि यापन अवस्थी है। शाली प्रणि प्रश्नि प्रणि गोक्षुरक मूल काश्मर्य परुषक खर्जूर फल मधुक पुष्पी इनके पुष्प लेकर अजाक्षीर जल प्रस्थगम एक प्रस्थ जल और एक प्रस्थ अजाक्षीर लेके सिद्धा कषाया शिरावशेष करके उसे पिंपरी मधु उत्पल कल्किता उत्पल मतलब कमल इनका कमल डाल के त गुरुत सैंधव ये डालकर बस्ती देने से क्षीण इंद्रिय विषम ज्वर कर्षद। तो क्षीण इंद्रिय और विषम ज्वर से जो कर्षित है उसमें बस्ती शस्तः योग्य है। अब बारहवीं बस्ती स्थिरादि पंचमूलादि यापना बस्ती। स्थिरादि पंचमूली पंच फलेन जो स्थिरादि पंचमूल है स्थिरा मतलब शाली पल मतलब लघु पंचमूल, तो ये एक एक पल लेने हैं उसमें शाली षष्टी का यव गोधूम माश ये एक एक प्रसुत डालने हैं। छागम पयहा श्रुतम इसमें भेड़ का दुग्ध डालकर उसको फिर श्रुत करके पादशेषम करके उसमें कुकुट अंड मुर्गी का अंडा रस सम मधु घृत शर्करा सैंधव संवर्षण युक्त बस्ती ही फिर बस्ती देने से ये वृषतम केवल वृक्ष नहीं है वृषतम ऐसी बस्ती है और बलवर्ण चंदनाश्च इति यापना बस्ती द्वादश ऐसे बारह बारह संख्या में यापना बस्ती का वर्णन किया है। अब अंतिम पंक्ति क्या है देखिए कल्पा च एषा शिखी गो नर्द हंस सारस अंडरस। तो जो अंतिम स्थिरादि बस्ती में जो मुर्गी का अंडा डाला हुआ है उसमें मुर्गी का अंडा न डालते हुए मयूर का अंडा या गोनर्द का अंडा, गोनर्द ये विषकीर वर्ग में आने वाला एक पंछी है, हंस का अंडा या सारस का अंडा डाल के ऐसे और पांच छह प्रकार की बस्तियां हम बना सकते हैं। इसके बाद हम ये 19 श्लोक पूरा लेंगे और फिर आज का अध्ययन पूरा करेंगे। तो 18वां नंबर श्लोक सतित्री। अब इसमें क्या है कुल मिलाकर कई प्रकार की बस्तियां बताई है हम एक एक करके पढ़ेंगे। सतित्री समयूरा स राजहंसा पंचमूली पया सिद्धा शतपुष्पा मधुकर रसना कुट्टज मदन पिप्पल पिप्पली कलकहा घृत तैल गुण सैंधव युक्ता बस्तीर बल वर्ण शुक्र जनन रसायनश्च। तो पहली बस्ती है तित्तिर आदि बस्ती, उसमें तित्तिर ये पंछी है, मयूर राजहंस इनका मांस और पंचमूली का क्वात कर उसमें शतपुष्पादि प्रक्षेप डालकर बस्ती दी जाएगी, तो ये बल वर्ण शुक्र जनन और रसायन कर्म करने वाली बस्ती है। द्वितीय बस्ती है द्विपंचमूलादि बस्ती, द्विपंचमूली कुक्कुट रस सिद्धम मतलब मुर्गी के मांस रस में द्विपंचमूल सिद्ध करके पादशेषम पयः एक पादशेष उरा मतलब अवशिष्ट करना है उसमें पिंपली मधु का रसना मदन कल्क शर्करा मधु घृत ये प्रक्षेप डालकर अगर बस्ती दी जाएगी तो स्त्रीशु अति कामानां बलजनो जिनमें मैथुन में अत्यंत इच्छा है ऐसे व्यक्ति को बल उत्पन्न कर देगी। तृतीय बस्ती मयूरादि बस्ती, ये विशिष्ट बस्ती है। क्या कहते हैं मयूरम अपित्त पक्ष पादास्त्यंत्रम, तो मयूर के मांस लेना है और उसमें उसके पित्त उसके पंख उसके पाद उसका मुख और आंत्र निकाल देना है, बाकी का मांस भाग लेना है। उसमें स्थिरादि भी ही पली कही उसमें स्थिरादि द्रव्य जो है स्थिरादि बस्ती के ये एक एक पल डालने हैं। सजले पयसी पक्त्वा शीर्षेषम उसमें दुग्ध और पानी डालकर केवल दुग्ध शिल्लक रह जाए तक क्षीरपाक विधि से बनाना है। उसमें फिर मदन पिंपरी शतकुसुमा मतलब शतपुष्पा मधु का कल्की इनका कल्क डालकर मधु घृत सैंधव प्रक्षेप डालकर बस्ती देने से त्रिशु अति प्रसक्त क्षीण इंद्रियभ्यो बल वर्ण करम, तो मैथुन में जो अति प्रसक्त है और उसके कारण जिनका इंद्रिय क्षय हुआ है उनमें बल और वर्ण निर्माण करने के लिए ये मयूर आदि बस्ती अत्यंत उपयुक्त है। कल्पा च एषा विष्कीर प्रतुद प्रसह अम्बुचरेषु स्यात्, ऐसा ही मयूर के मांस के जगह विष्कीर वर्ग के प्राणियों में
प्रतुद वर्ग के प्राणियों में, प्रसव वर्ग के प्राणियों में, अंबुचर वर्ग के प्राणियों के पित्त पक्ष पाद अस्य अंतर निकालकर मांस भाग डालकर ऐसी बस्ती बना सकते हैं। अब इन्होंने चक्रपाणी का काम है कि इन्होंने बस्ती की संख्या गिनी है। तो विष्किर वर्ग में 20 पंछी, तो 20 बस्तियां, प्रतुद वर्ग की 30 बस्तियां, प्रसव वर्ग की 29 बस्तियां, जलचर वर्ग की 27 बस्तियां और रोहित आदि जो बताए हैं उनकी 9 बस्तियां, कुल मिलाकर 115 बस्तियां यहाँ पे वर्णन की है। और अगर रोहित आदि मत्स्य बनाने हैं तो उसमें एक शीर डालना नहीं है, ये देखिए विरुद्ध है, तो बस्ती में भी ये विरुद्ध है। अगर मत्स्य का उपयोग करने वाले हैं तो अक्षीरो रोहितादिशु च मत्स्येषु, तो उसमें उस बस्ती में शीर डालना नहीं है। अब अगली गोदादि, गोदा नकुल आदि बस्ती है। गोदा नकुल मार्जार मुक्षिक शल्यक मांसाना दशपलान भागान त पंचमूलान पयसी पक्त्वा। तो गोदा नकुल मार्जार मुक्षिक शल्यक, इनका मांस 10-10 पल लेकर उनमें पंचमूल डालकर दुग्ध में उनका पचन करना है। तत्पया उस फिर अवशिष्ट दुग्ध में पिंपरी फल कल्क सेंधव सौवर्चल शर्करा मृदु गुरुत तैर ये प्रक्षक डालकर बस्ती अगर दी गई तो वो बल्य रसायन चित्त क्षण से संधान करा मतित उरस्क रथ गज हय भग्न वात बलासक प्रभुति उदावर्त वातसक मूत्र वर्च शुष्काणा इत तमश्च। विशिष्ट क्या है? तो बल्य है, रसायन है, शतक शीट में संधान करने वाली है, जिसका उरा मथित हुआ है, उरक्षत हुआ है और रथ गज हय से, हय मतलब घोड़ा, ऊपर से गिरने से, गिरने के कारण अगर भग्न हुआ है और वात बलासक आदि उदावर्त व्याधि हुए हैं और वातसक्त मल मूत्र शुष्क हो चुके हैं तो इनमें ये गोदन आदि बस्ती अतीव उपयुक्त है। अब अगली बस्ती कुर्मादि वृष्य बस्ती, वो कह रहे हैं कुर्मादि नाम अन्यतम पिशित सिद्धम पयो गो वृष नाग हयन, नाग मतलब हाथी, हय मतलब घोड़ा, नक्र हंस कुकुट अंड, मतलब कुर्मादि जो जलचर वर्ग है उनमें से जो मिलेगा उसका मांस लेकर उसमें दुग्ध डालकर उसमें गो वृष नाग हय इनका वृषण लेना है। नक्र मतलब मगर मतलब क्रोकोडाइल, हंस कुकुट इनके अंडे लेने हैं और उसमें फिर रस मधु घृत शर्करा सैंधव इक्षु रस आत्मगुप्ता फल कल्क संस्रुटे प्रक्षेप डालकर अगर बस्ती दी जाएगी तो वृद्धा नाम आप बल जाता, वृद्ध व्यक्तियों में भी ये बल निर्माण करने वाली है। अब सातवीं बस्ती कर्कटक रसहा चटक अंड रस युक्त समधु घृत शर्करो बस्ती ही। तो कर्कटक मतलब खेकड़ा, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रॉन ना, प्रॉन कहते हैं ना खेकड़े को प्रॉन, तो उसके मांस रस में चटक का अंड डालकर उसमें मधु घृत शर्करा डालकर बस्ती दी जाएगी तो ये बस्तियां परम वृक्षा, ये परम वृक्ष बस्ती है। उसमें फिर उच्चटक इक्षुरक आत्मगुप्ता श्रुत क्षीर प्रति भोजन, इस बस्ती देने के बाद फिर उच्चटक वगैरह द्रव्यों का भोजन करने से त्रिशत गामिनम नरम कुर्यु, तो 100 स्त्रियों के साथ भी वो मैथुन करने में सक्षम हो जाता है, ऐसी इसकी फलश्रुति है, मतलब बल बढ़ जाता है। आठवीं बस्ती गो वृक्ष बस्त वराह वृषण कर्कट चटक सिद्धम क्षीरम उच्चाटकेशु इक्षुरक आत्मगुप्ता मधुकृत सैंधव युक्त किंचित लवणिता बस्ती। तो गाय बैल मतलब गो वृष मतलब बैल बस्त वराह इनके वृषण में कर्कटक चटक के मांस डालकर फिर दुग्ध डालकर उच्चटकादि द्रव्य डालकर बस्ती दी जाएगी, किंचित लवण डालना है तो ये भी बस्ती बल निर्माण करने वाली है। नौवीं बस्ती दशमूल मयूर हंस कुक्कुट क्वाथात पंच प्रसृतम तैल घृत वसा मंच चतुष प्रसृत युक्त शतपुष्पा मुस्ता हपुषा कल्कीकृत सलवणो बस्ती। तो दशमूल मयूर हंस कुकुट इनका क्वाथ करना है, ये पांच पांच प्रसूत एक एक प्रसूत लेने हैं, उनमें तैल घृत वसा मज्जा एक एक प्रसूत डालने हैं, चार प्रसूत होंगे वो, उसमें फिर शतपुष्पादि कल्क डालना है, लवण डालना है और बस लेने से पाद गुल्फ रुजा पाद गुल्फ उरु जानु जंघा त्रिक वक्षण बस्ती वृषण और वातरो नष्ट होते हैं, ये बहुत महत्व की बस्ती। अब आगे कह रहे मृग विष्किर अनुप बिलेशयाना एटेन एव कल्पेन बस्तया। जो यहाँ पे मयूर हंस कुक्कुट के माउस बताए हैं उसमें फिर मृग वर्ग विष्किर वर्ग अनुप वर्ग बिलेश वर्ग इनकी कल्पना करके बस्तियां बनाई है।
तो इनकी भी संख्या चक्रपाणि ने बताई है। तो वो कहते हैं कि मृग वर्ग में कुल मिलाकर 17 पशु है तो 17 बस्तियां, विष्कीर में 17 बस्तियां, लाभादी जो मयूर वर्ग है वो उन विंशति मतलब 19 बस्तियां, और अनुप में 9 बस्तियां और बिलेश्य वर्ग की 14 बस्तियां, ऐसे कुल मिला के 59 बस्तियों का यहाँ पे उल्लेख है। अब अगली बस्ती मधुतैलिक बस्तियों का शुरुआत होती है। तो मधुतैलिक का जैसे ये मधुगृत की बस्तियां है, तो उसमें से पहली मधुगृत की बस्ती मधुगृत द्विप्रसृत, मतलब मधु एक प्रसृत, गृत एक प्रसृत, इनमें तुल्य उष्णगा मतलब 2 प्रसृत उष्णदक, शतपुष्प अर्धापला, शतपुष्प अर्धापल, सैंदव अर्धाक्ष युक्त, अर्धा अक्ष इतनी मात्रा में, मतलब एक कर्ष इतनी मात्रा में सैंदव डालना है। बस्ती ऐसे अगर बस्ती दी जाएगी तो वृषतम मूत्रकुक्ष पित्तवातः, तो ये वृषतम है और मूत्रकुक्ष और पित्तवात इनका नाश करने वाली है। अगली द्वितीय मधुगृत आदि बस्ती, ये सद्यो घृत तैल वसा मज्जा चतुष्प्रस्तम, अभी अभी निकाली हुए घृत तैल वसा मज्जा एक एक प्रस्थ लेने हैं। अपुष अर्धापलम सैंदव अर्धाक्ष युक्त, अपुष अर्धापल और सैंदव अर्ध अक्ष इतनी मात्रा में लेने से जो बस्ती दी जाती है वो वृषतम मूत्रकृष पित्त व्याधि हर और रसायन है। तीसरी मधुतैल की बस्ती मधुतैलम चतुप्रसृतम, मतलब 2 पल मधु, 2 प्रसृत तैल, शतपुष्प अर्धापलम, सैंदव अर्ध, सभी आसान बस्तियां हैं, सैंदव अर्धाक्ष युक्त, शतपुष्प अर्धापल और सैंदव अर्ध अक्ष युक्त ऐसी बस्ती जाएगी तो दीपन द्रुहण बलवर्ण कर निरुपद्रव वृषतम रसायन कुष्ट उदावर्त गुल्म अर्श ब्रद्म प्लेह मेह, इतनी उसकी फलश्रुति है, ये आप दे सकते हो। अगली तद्वत मधुगृताभ्याम पयाह तुल्यो, मतलब मधुगृत 2-2 प्रसृत, उसके समान मात्रा में दुग्ध मतलब 4 प्रसृत दुग्ध, इसमें पूर्व कल के शतपुष्प अर्धा पद सैंदव अर्धा अक्ष युक्त डालकर दी जाएगी बस्ती, तो बलवर्ण करो वृषतमो निरुपद्रवो बस्ती ही मेढ्र पाक परिकर्तिका मूत्रकृष्ण पित्त व्याधि हरो रसायन, इतना इसकी फलश्रुति है। अगली बस्ती तद्वत मधुगृताभ्याम मांसरस तुल्यो, मतलब मधुगृत दोनों मिलकर 4 प्रसृत, मांसरस 4 प्रसृत, उसमें मुस्ता अक्ष युक्त, एक अक्ष इतनी मात्रा में मुस्ता, पूर्ववत बस्ती ही अगर बस्ती दी जाएगी पिछली तरह से तो वात बलास पाद हर्ष गुल्म त्रिक उरु जानतु निकुंचन, इन अवयों में खिचे खिचंग जैसी वेदना उत्पन्न होना, निकुंचन जैसी वेदना होना, बस्ती वृषण मेत्र त्रिक पृष्ठ यहाँ पे शूल उत्पन्न होना, ये बस्ती इसकी नाश करती है। अंतिम दो ही बस्ती रह गए हैं, जो अंतिम है वो सुरा सौवीरक कुदत्त मांस रस मधुगृत तैल, ये एक एक प्रसूत 7 प्रसूत होंगे, मुस्तखतम व कल्किता सलवणा बस्ती डालकर, मतलब मुस्तखतम व इनका कल्क और लवण डाल के हुए दी गई बस्ती, ये सर्व वातर होगा, सभी प्रकार के वात व्याधियों में ये सुरादी बस्ती आप दे सकते हो। और अंतिम बस्ती इसमें इस ग्रुप की द्विपंचमूल त्रिफला बिल्व मदन फल कषायो गोमूत्र सिद्धा कुटज मदन फल मुस्त पाठा कल्किता सैंदव याव शुक क्षौद्रतया युक्तो बस्ती, तो द्विपंचमूल त्रिफला बिल्व मदन फल इसके कषाय में गोमूत्र डालकर सिद्ध करके उसे फिर कुटज आदि प्रक्षेप डालकर बस्ती जाएगी, तो श्लेष्म सभी प्रकार के कपच व्याधियों में बस्ती आटोप वात शुक्र संग पांडुरोग अजीर्ण विशुचिका अलसक इसमें आप दे सकते हो। अब हमें उपचार क्या करना है, तो आज ये जो द्रव्य है इसमें से जो प्राणिज द्रव्य है वो तो हम नहीं ले सकते क्योंकि आज उसके ऊपर बैन है, तो वो बस्तियां तो आप छोड़ ही देनी चाहिए, तो जो बाकी की यापन बस्तियां हैं वो आज हम दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो एक एक द्रव्य बस्तियां जो है इनके द्रव्यों का जो मतलब चूर्ण है या जो भरण द्रव्य लेने हैं, मतलब जो उसके काष्ठादि लेने हैं तृण काष्ठादि, वो ऐसे बना के रखने और बर्तन में भर कर उसको लेबल डाल के स्थिरादि यापना बस्ती की मुस्तादि यापना बस्ती, और कभी भी पेशेंट आ जाए तो तुरंत दे सकते, 6 महीने के लिए रख सकते हैं हम। तो ऐसे अगर आपने बना के रखे और एक एक पेशेंट को देख के रखे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे, प्राणियों के जो बस्तियां है पशु पक्षियों के ये आज बैन है,
तो आज हम वो नहीं कर सकते, इसलिए इनको पढ़ के छोड़ देना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे प्राचीन काल में वैद्यों ने सभी द्रव्यों का उपयोग किस प्रकार से किया गया है, सभी प्राणियों के अवयव का भी उपयोग किस प्रकार से किया गया है, इसका विचार हम कर सकते हैं। बाकी का जो अध्याय है ये हम कल लेंगे। अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हो, वरना आज हम रुक जाएंगे। So there is a question in chat box by Dr. Manasa Patil. Is there any importance why Chikitsa of Upadrava explained in this chapter? Oh, importance hai to isliye to bata hai na. Importance nahi hota to kyun bata de? Importance hai hi uski, kyunki ye log karte hai. Aaj jaise maine bataya ki basti degi sham ko aur two wheeler pe ghar jate hai, rataksham hota hai, to iski chikitsa deni chahiye hame, करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कुड यू प्लीज इलाबोरेट मोर ऑन व्हाट द क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल निर्भवान यापन अवस्थी। हाँ, ये तो हो गया हमारा, पहले के अध्याय में हुआ है। यापन अवस्थी को कुछ नियम नहीं है, आप किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्याधित हो स्वस्थ हो, किसी भी समय रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम को, प्रातः काल को, खाने के बाद, बिना खाए हुए, किसी भी ऋतु में, किसी भी अवस्था में आप दे सकते हो, वो यापन कर दे, सर्व कालम दे या। जैसे निरूह को नियम है कि कोष्ठ खाली रहना चाहिए, सुबह देना चाहिए, दोपहर में नहीं देना है, बहुत ठंडी में नहीं देना है, स्पेसिफिक ऋतु में ही देना है, ऐसे नियम निरूह के जो है वो इनको नहीं है। या निरोह के बाद 15 दिन के बाद विरेचन देना है, विरेचन के बाद 15 दिन के बाद निरोह देना है, तो ये भी नियम यापन अवस्थी को नहीं है। तो अभी मेरा एक पेशेंट विशाखापट्टनम पे है, पेशेंट है विशाखापट्टनम में, और मैंने उसको यापन अवस्थी शुरू की है। पेशेंट के कट्टी से नीचे का जो भाग है वो बिल्कुल भी, मतलब उसकी संवेदना नहीं है उस पेशेंट को। कट्टी के नीचे से नीचे का जो भाग है उसमें किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं है। तो अभी उसको यापन अवस्थी शुरू कर दी है हमने, मैक्सिमम 30 यापन अवस्थी हम दे सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट के ऊपर हम उपयोग कर सकते हैं। अगला एक कुछ आया है कि इन माय ओपिनियन इफ अ पर्सन हैज नॉट टेकन शोधन बट सफर विद सिम्टम सिमिलर टू शोधन कॉम्प्लिकेशंस कैन बी गिवन सेम लैब ट्रीटमेंट। यस मैम, जो मैंने पूछा था कि दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न ये उपद्रव बताया, हेतु बताया, महादुष्कर भाव बताया शोधन के बाद, पर शोधन का कुछ संबंध नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति दिवा स्वप्न कर रहा है और अगर उसमें दिवा स्वप्न के उपद्रव निर्माण हो रहे हैं जो यहाँ पे बताए हैं, तो उसमें ये ट्रीटमेंट जो बताई है ये हम जरूर दे सकते हैं। ऐसे विचार करने की तंत्र युक्ति है, उसको हेतुवर्थ तंत्र युक्ति और उय तंत्र युक्ति कहा जाता है, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, रुकेंगे, बाकी का अध्याय कल, और भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप कल पूछ सकते हो। बाकी का शेष अध्याय, अब थोड़ा ही अध्याय शेष रहा है, वो कल पूरा हो जाएगा। यस यस सर, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वन एंड ऑल। प्लीज ज्वाइन बैक फॉर टुमारोज सेशन। थैंक यू, गुड नाइट। 9:30, यस सर।